कान एचपी टाइल मशीन से फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी होगी, केमिकल मेकिंग मशीन, केमिकल कैसे बनता है, मोल्ड्स कैसे बनते हैं और मशीन की कहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती है और कैसे होती है, वो चीज़ आपने पुरानी वीडियो में मेरी देखी होंगी। और मेरी वीडियो को बहुत आपने सराहा है, बहुत प्यार दिया है। आगे भी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसे ही वीडियो को देखिए, ऐसे ही सराहिए और ऐसे ही प्यार दीजिए, जिससे मैं आपको नई नई वीडियो आपको देखने को मिले, आपको बहुत सारी पेपर ब्लॉक से रिलेटेड जानकारियाँ देखने को मिले और काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको वीडियो के थ्रू देखने को मिले। तो आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ मोल्ड्स के रिगार्डिंग, सिलिकॉन पेपर ब्लॉक में जो इस्तेमाल होने वाले मोल्ड्स हैं वो किस क्वालिटी के हम आपको प्रोवाइड कराते हैं और किस टाइप की क्वालिटी हम आपको देते हैं। तो आइए चलते हैं एक बार। जैसा कि ये मेरा स्टॉक है पेपर ब्लॉक्स मोल्ड का, तो अभी मैं जस्ट एक बैग में से एक मोल्ड्स निकालता हूँ। जैसा कि इसको बोलते हैं मिलेनो, थ्री कॉर्नर राउंड्स में आता है मिलेनो, जिसका नाम है 60 mm इसका साइज आता है। तो बेसिकली मैं क्वालिटी दिखाना चाहता हूँ आपको, ये प्योरिटी आप देख रहे हैं जैसे कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मोल्ड है। मैं इसको बैक साइड से भी दिखाना चाहता हूँ, ट्रांसपेरेंट मतलब प्योरिटी। अब बात करते हैं प्योरिटी में क्या, अच्छी प्योरिटी का आपको मोल्ड लेने से क्या बेनिफिट है। बेसिकली अच्छी क्वालिटी के आप मोल्ड्स लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक बना सकते हैं, अगर लो क्वालिटी लेंगे तो टूटेगा भी और इसमें मटेरियल चिपकने की शिकायत आपको हमेशा रहेगी। बट इस मोल्ड में आपको मटेरियल चिपकने की शिकायत कभी नहीं आएगी। और बात करें इसके ड्यूरेबिलिटी की, तो मिनिमम 3 ईयर का इसमें ड्यूरेबिलिटी आपको मिलता है। तो मैं जस्ट इसको मूव करके दिखाना चाहता हूँ, इतना इजीली ये मूव हो जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो के थ्रू। बेसिकली अच्छी क्वालिटी का मोल्ड होगा, बहुत फ्लेक्सिबल होगा, बहुत ट्रांसपेरेंट होगा। आप इसको देखिए, बहुत इजीली ये पूरा मूव हो जाता है। हार्ड प्लास्टिक, मिक्सिंग प्लास्टिक का जो मोल्ड होगा वो कभी मूव नहीं होगा, हार्ड होगा काफ़ी और इतना ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। मैं आइए दूसरे आपको दूसरा क्वालिटी का मोल्ड दिखाता हूँ, इसको बोलते हैं डमरू, 60 mm में ये आता है। क्वालिटी वाइज करें तो सेम क्वालिटी, सिलिकॉन बेस्ड है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, फुल्ली ट्रांसपेरेंट है। एंड फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो आप इसको जैसे मर्जी मोड़ सकते हैं। ये देखिए, अभी और भी काफ़ी सारी क्वालिटी है, जैसे कि आप देख सकते हैं स्टॉक में मेरे पास एवरी टाइम 9 से 10 हज़ार मोल्ड आपको हर समय तैयार मिलेंगे सिलिकॉन में। इधर मैं कैमरामैन को दिखाना चाहता हूँ, इधर स्टॉक दिखा सकते हैं, काफ़ी सारे मोल्ड हैं मेरे पास। बेसिकली मोल्ड में होता क्या सर, देखो अच्छी क्वालिटी का मोल्ड लेंगे, अच्छे दाने से बना हुआ मोल्ड लेंगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, प्लस आपका मोल्ड से जो ब्लॉक बनेगा बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत और शाइन करता हुआ ब्लॉक बनेगा। अगर आप सिलिकॉन वाला नहीं नॉर्मल प्लास्टिक का मोल्ड इस्तेमाल करते हैं, उसमें एक तो ब्लॉक का शाइनिंग नहीं मिलेगा, आपको ड्यूरेबिलिटी नहीं मिलेगा और काफ़ी हार्ड भी होगा। तो विंटर में डीमोल्डिंग में काफ़ी आपको उसको परेशानी आपका सामना करना पड़ सकता है। बट मेरी कंपनी का मोटिव होता है क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कराना, अच्छी सर्विस प्रोवाइड कराना, जिससे क्लाइंट बहुत अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक, पेवर ब्लॉक बना सकता है। अभी मैं आपको दूसरी क्वालिटी का पेवर ब्लॉक दिखाता हूँ, जो नॉर्मल प्लास्टिक का जो मोल्ड्स होते हैं वो मोल्ड्स कैसे होते हैं और कितने हार्ड होते हैं, उनसे कैसी क्वालिटी बनती है, तो आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। जैसा कि सर मैं बात कर रहा था, जो नॉर्मल प्लास्टिक मोल्ड्स आते हैं वो किस क्वालिटी के होते हैं, कैसे दिखते हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं जूम करके, इसको मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। इस टाइप की कुछ क्वालिटी होती है जिसको नॉर्मल प्लास्टिक कहा जाता है। देखो इतना हार्ड होगा काफ़ी, मैं इसको पूरा मूव कर रहा हूँ, मूव नहीं होगा और अंदर देखिए ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। इस मोल्ड में शिकायत आती है मटेरियल चिपकने की, विंटर में स्पेशली डीमोल्डिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम आपको इसमें आ जाती है। तो क्लाइंट को ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है, जहाँ से भी लें, जिस कंपनी से लें, मोल्ड बहुत अच्छी क्वालिटी का लें, जिससे आप बहुत अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक बना सकें। दिखने में सारे मोल्ड्स वाइट होते हैं, बट सर देखिए ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है, आपको अच्छी मोल्ड की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि कई लोग होते हैं, हर बिजनेस में होते हैं, क्लाइंट को सोचते हैं जैसा मर्जी मटेरियल दे दो, बट मेरी कंपनी का मोटिव होता है क्लाइंट को अच्छी क्वालिटी हम प्रोवाइड करा सकें, जिससे अच्छी क्वालिटी के ब्लॉक बना सकें।
तो सर जैसा कि मैंने आपको सिलिकॉन मोल्ड्स की जो क्वालिटी दिखाई थी, जो प्योर सिलिकॉन से बना हुआ मोल्ड है, ट्रांसपेरेंट मोल्ड है, तो इस टाइप की क्वालिटी के आप ब्लॉक इनसे बना सकते हैं। जैसा कि डिस्प्ले में आप देख रहे हैं आई शेप, जिगजैग, मिलेनो और अदर काफी सारे डिजाइन इसी सिलिकॉन मोल्ड से बने हुए हैं। तो मैं एक बार ओवरव्यू करा देता हूं आपको, जो क्वालिटी सिलिकॉन मोल्ड से जो आप भी अपने साइड पे अपनी फैक्ट्री में बना सकते हैं। ये कुछ टाइल्स बनी हुई है सिलिकॉन मोल्ड से, तो इस टाइप की क्वालिटी भी आप सिलिकॉन प्लास्टिक मोल्ड से आप इस टाइप की क्वालिटी भी बना सकते हैं। ये सारे ब्लॉक, टाइल्स, ब्रिक्स ये इसी मशीन से, वाइब्रेशन मशीन से ही बनाई जाती है। जैसे कि अभी वीडियो में आप देख रहे हैं ये वाली ब्रिक्स, ये सारी ब्रिक्स भी इसी मशीन से बनाई जा सकती है। सिर्फ आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के मोल्ड्स लेने होते हैं, जो जिस टाइप का, जिस डिजाइन का आप मोल्ड्स लेते हैं उसी डिजाइन की आप टाइल एंड ब्लॉक बना सकते हैं। तो सर आपने जैसा देखा, मैंने आपको डिस्प्ले भी दिखाया, सिलिकॉन प्लास्टिक एंड नॉर्मल प्लास्टिक का जो मोल्ड है वो भी दिखाया। तो सर जब भी आप विजिट करें या किसी भी कंपनी से कोई भी प्लांट आप बाय करते हैं, खरीदते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, जो भी मोल्ड्स हैं वो सिलिकॉन बेस्ड लें, जिससे आप अच्छी क्वालिटी के टाइल एंड ब्लॉक्स बना सकें। अदरवाइज प्लास्टिक के आप लेते हैं तो अच्छी क्वालिटी आप नहीं बना पाएंगे और आपका ड्यूरेबिलिटी भी कम होगा मोल्ड को। तो भविष्य में सर ऐसी वीडियो आपको देखने को मिलेगी, काफ़ी सारी अच्छी जानकारी आपको देखने को मिलेगी। ऐसे ही वीडियो को लाइक और प्यार दीजिए, आगे भी बहुत सारी वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।